हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडवेंचर्स में। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए फिर एक नए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर है और ये 2017 में जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी में जेई मेंस में दो सवाल पूछा गया है। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 26 में था और ये क्वेश्चन नंबर 28 में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप इस क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी से हर साल जेई मेंस में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उसे बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन में करना क्या था, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, इफ टू डिफरेंट नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 4 अप टू 10, मतलब 0 टू 10 के बीच में, 0 टू 10 तक एक सेट है जिससे दो नंबर सेलेक्ट करना है। तो टू नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द सेट दिस, देन द probability that their sum as well as absolute difference are both multiple of 4. ऐसा दो नंबर इससे सेलेक्ट करना है जिससे दोनों का सम भी मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए और दोनों का डिफरेंस का मॉड, मतलब डिफरेंस नेगेटिव नहीं लेना, इसलिए मॉड कर रहा किया जा रहा है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब दोनों का डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा दो नंबर कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं इस 11 नंबर्स में से, 0 टू 10 है ना, इसमें से ऐसा दो नंबर कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसका फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सोचना है खुद से कि कैसे ऐसा कौन कौन सा दो नंबर होगा जिसका सम भी 4 का मल्टीपल होगा और उसका डिफरेंस भी 4 का मल्टीपल होगा। तो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस फाइंड कर लेते हैं। तो सैंपल स्पेस होगा, तो सैंपल स्पेस होगा ये होगा कि टोटल 11 नंबर है, उस 11 नंबर में से दो नंबर का सिलेक्शन करना है। तो 11C2, तो 11C2 करेंगे तो 11 × 10/2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 55। तो सैंपल स्पेस आ गया 55 और सारे ऑप्शन नीचे में 55 लिखा हुआ है, तो ये सैंपल स्पेस हम लोग का सही है कि हाँ ये सैंपल स्पेस 55 आ गया 11C2 करने से। अब फाइंड करते हैं इवेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो इसका इवेंट फाइंड करेंगे, मतलब इस 11 नंबर में से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका सम होना चाहिए 4 का मल्टीपल और उसका डिफरेंस होना चाहिए 4 का मल्टीपल। ओके, तो इवेंट में बनाते हैं कौन कौन सा पेयर आ जाता है। अगर पहला नंबर रखते हैं 0, पहला नंबर अगर रखते हैं 0, तो दूसरा नंबर क्या आएगा ऐसा जिसका सम भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए और डिफरेंस भी। तो देखिए, 0 को हम अगर 4 लेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा 4 और इसका डिफरेंस आ जाएगा 4, सही है। ओके, तो 0 से और क्या ले सकते हैं, 08 ये ले सकते हैं, बस 0 से दो ही नंबर आएगा। ओके, अच्छा 1 से देखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, दूसरा कितना होना चाहिए, अगर 5 लेते हैं जिसका डिफरेंस 4 है लेकिन सम 6 आ जा रहा है। ओके, अगर 1 लेते हैं दूसरा नंबर 7 लेना चाहिए जिसका सम आ जाएगा 8 लेकिन डिफरेंस आ जाएगा 6, नहीं आ पाएगा। अगर 1 लेते हैं 9 लेते हैं जिसका डिफरेंस आ जाएगा 8 लेकिन सम 10 आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, मतलब 1 से कोई भी पेयर नहीं बन पाएगा। ओके, 2 से स्टार्ट करते हैं, अगर पहला नंबर 2 होगा दूसरा कितना ले सकते हैं, अगर 2 और 6 लेते हैं तो 2 6 का सम कितना 8 और इसका डिफरेंस 4, तो सही है ना, तो 2, 6 से क्या आ गया। अच्छा 2 से और क्या ले सकते हैं, 2, 8 ले सकते हैं क्या, नहीं 2, 10 लेना पड़ेगा, तो 2, 10 और 10 ये दो नंबर इसका डिफरेंस आ रहा है 8 और इसका सम आ रहा है 12, सही है, तो 2 से बन गया। ओके, अब किससे बन गया देखते हैं, अब रखते हैं 3, तो 3 में 5 लिखते हैं तो 5, 3, 8 होता है लेकिन डिफरेंस कितना आ जा रहा है 2, 4 का मल्टीपल नहीं है तो 3, 5 नहीं ले सकते हैं। 3 के साथ अगर 9 लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस 6 आएगा जो नहीं हो सकता है, तो 3 से नहीं बनेगा। अच्छा 4 से देखते हैं, 4 और 10 नहीं ले सकते हैं, 4 और 8 ले सकते हैं, तो 4 और 8 लेंगे उसका सम आ जाएगा 12 और उसका डिफरेंस आ जाएगा 4, सही है, तो 4 और 8 ले सकते हैं, 4 और 8 ये आ गया। अच्छा और क्या ले सकते हैं, 4 और 8 आ गया, उसके बाद अगर 4 से और देखते हैं, 4 और 8, ओके 4 और 0 तो आ ही गया 4 के साथ, 4 और 6 नहीं ले सकते हैं, 4 और 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9 ले सकते हैं, तो 4 से 8 यही बनेगा। अच्छा आगे देखते हैं 5 से अगर देखेंगे तो 5 है तो और चाहिए 3, तो 5, 3 नहीं ले सकते हैं, 5 और 9 नहीं ले सकते हैं, 5 और 8 नहीं ले सकते हैं, तो 5 से नहीं बनेगा। 6 से ले सकते हैं क्या, 6 से अगर एक नंबर 6 रखते हैं दूसरा नंबर रखना पड़ेगा 6 और 10,
सिक्स और टेन, जिसका डिफरेंस आ जाएगा फोर और इसका सम आ जाएगा 16। ओके सही है, तो सिक्स और टेन एक नंबर है, सिक्स और टेन ये नंबर है, कितना बना, दो चार छः। अच्छा और देखते हैं, सिक्स से बन गया टेन, सिक्स और टेन पेयर है जिसका सम आ रहा है 16 जो फोर का मल्टीपल है और डिफरेंस आ रहा है फोर जो फोर का मल्टीपल है। ओके अच्छा अब देखते हैं, सिक्स से तो सिक्स हो गया, सिक्स से कम्प्लीट हो गया, सेवन से अगर देखते हैं तो सेवन थ्री, सेवन थ्री नहीं आएगा, सेवन थ्री नहीं आएगा, और सेवन से एट अगर ले सकते हैं क्या, नहीं, सेवन से नाइन, सेवन और नाइन का डिफरेंस नहीं आएगा, ओके सेवन से नहीं होगा। अच्छा एट से, एट से तो एट से, एट से तो फोर बना, एट से जीरो बना, ओके तो ये बना। तो अच्छा अब यहाँ से देखते हैं कि एट से और कितना बन सकता है, एट से बनेगा क्या कुछ, एट से और नहीं बनेगा। ओके तो ये जो छः नंबर है, ये जो छः नंबर है, जीरो फोर, जीरो एट, टू सिक्स, टू टेन, फोर एट और सिक्स टेन ये नंबर है, इतना ही बनेगा पेयर जिसका सम आ रहा है फोर का मल्टीपल और इसका डिफरेंस भी आ रहा है फोर का मल्टीपल। तो यही दो पेयर बनाना था, तो कोई भी दो नंबर का सिलेक्शन करना था जिसका सम आना चाहिए फोर का मल्टीपल और डिफरेंस आना चाहिए फोर का मल्टीपल, इतना ही बना सकते हैं और नहीं बनेगा जीरो से टेन के बीच में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट आ गया सिक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिंपलेस्ट आ गया 55। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इवेंट का, ये हो जाएगा 6/55। तो ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके तो 6/55 देखिए, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, इसमें ऐसा दो नंबर सिलेक्शन करना था जिसका सम आना चाहिए फोर का मल्टीपल और डिफरेंस आना चाहिए फोर का मल्टीपल। ये छह तरीके से दो नंबर सिलेक्शन कर सकते हैं और सिंपल स्पेस था 55, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन गया। ओके तो इस तरह देखिए कि प्रोबेबिलिटी का बहुत ही आसान आसान सवाल रहता है। और देखिए एक फायदा हो गया 2017 में कि इस पे दो क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो बच्चे इसे पढ़ के गए होंगे उसके लिए बहुत फायदा का चीज़ है ये, इसमें बहुत कम टाइम लगा और ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से बना सकते थे इसको। ओके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी स्टूडेंट अभी तक इसके सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए और लिंक में बहुत सारे वीडियोज के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही फायदे होंगे। ओके दोस्तों इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत काम के होंगे इस लास्ट टाइम में। ओके विश यू ऑल द बेस्ट।